हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटा। आज हमारे चैप्टर वन की लास्ट क्लास है और जैसा कि मैंने बताया था कि आज जो हमारे ट्रायल क्लासेस होंगे वन वीक की फ्री ट्रायल क्लासेस सभी के लिए अकेडमी की तरफ से, तो वो क्लासेस भी जो है एंड हो जाएंगी। हाँ, क्लासेस वन वीक की बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वीडियोस जो है वीडियोस को शूट करने में, अपलोड करने में, बनाने में, सारी चीजों में बेटा टाइम बहुत ज्यादा है और कई बार हम लोग आपको टाइम पे वीडियोस नहीं भी दे पाए। वीडियोस आप लोगों को कई बार लेट मिली, कई बार नहीं मिली, उन सारी चीजों के लिए आपको काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। उन सभी के लिए हमको रिग्रेट है, बट सिर्फ एक ही क्लास की वीडियोस नहीं थी, बहुत सारे क्लास की वीडियोस थी बनाने के लिए हमारे पास। और जो भी स्टूडेंट्स ये लास्ट लेक्चर देख रहे हैं इस चैप्टर का, मैं उनको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं अगर उनको अच्छी लगी हैं और उनको आगे के चैप्टर्स भी पढ़ने हैं तो बहुत इजी है, वो आगे के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए उनको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर पे, और वो कॉलिंग नंबर भी है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं। क्लासेस का ये सिनेरियो है कि अब इन क्लासेस के बाद आगे से जो क्लासेस होने वाली हैं वो सारी क्लासेस इंक्रिप्टेड वीडियोस की होंगी और हम हर महीने जो बच्चे होंगे पहले वो फी पे करेंगे। बहुत नॉमिनल फी रखी है हमने, 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 300 रुपीज फी चार्ज रखा हुआ है। तो 300 रुपीज के उस फी चार्ज में वो लोग जब फी पे करेंगे तो फी पे करने के बाद बच्चों को टोटल 15 वीडियो लेसन्स मिलेंगे जिसमें कि दो चैप्टर जो है वो कवर रहेंगे। 15 वीडियो लेसन्स मींस फॉर एन एंटायर मंथ, क्योंकि अल्टरनेटिवली क्लासेस होती हैं, है ना, 3 दिन साइंस की 3 दिन मैथ की, तो 15 वीडियो लेसन्स मिलेंगे जिसमें कि दो चैप्टर्स कवर रहेंगे। तो अगर आप में से कोई भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे आगे पढ़ने में, अगर उनको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, उनको लगता होगा कि अगर हम सचिन भाई से थोड़ा और इंटरेक्ट करेंगे, जो चीजें हमें नहीं समझ में आती अगर हम थोड़ा उनसे बात करेंगे, पूछेंगे, तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा, भैया हमें समझा सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है हमें तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों को पढ़ाना ही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी ये लॉकडाउन के इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं, पता नहीं कब तक लॉकडाउन ये खुलेगा, कब तक नहीं खुलेगा, कोई नहीं जानता सही से। अभी 17th of May तक एक्सटेंड हो गया है, उसके बाद भी दूर दूर तक स्कूल कॉलेज के खुलने के तो कोई होप नहीं है जुलाई तक, और इवन कोई बोल रहा है कि July 1st week में भी नहीं, जुलाई के लास्ट वीक तक खुलेगा, तो August mid तक खुलेगा, पता नहीं रियल ट्रूथ क्या है। बट एट द एंड बेटा एक ही बात है जो कि आप सब लोगों को समझनी चाहिए कि हमारा जो फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम में हमारा पूरा सिलेबस आने वाला है। हाँ, हो सकता है कि इस बार के पेंडेमिक को देख के थोड़े बहुत चैप्टर्स कम कर दिए जाएं, बट कुछ ही चैप्टर्स कम होंगे, ज्यादातर तो चैप्टर्स आएंगे तो, और बाकी जो चैप्टर्स अगर स्किप भी करवाए जाएंगे तो चलिए पेपर के लिए स्किप हो जाएंगे, बट उन चैप्टर्स को छोड़ने की वजह से जो 10th, 11th, 12th के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं डेवलप हो पाएंगे, जो बेसिक्स नहीं डेवलप हो पाएंगे, वो भी हमारे लिए एक लॉस है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना डिसीजन लें, और जो भी आपका डिसीजन होगा यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट, ठीक है। और आइए अब जो हमारा वीडियो लेसन है इसको फिनिश करते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। बट एक क्वेश्चन वन जो है उसमें बोल रहा है कि आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं केल्विन -273, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 -273, तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पे सेल्सियस इक्वल केल्विन -273, फिर से तो 573 -273, तो कितना आ गया बेटा ये यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस, है ना, फिनिश। आइए इस पे चलते हैं, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन होता है सेल्सियस प्लस 273, यानी कि सेल्सियस जो है हमारा सेल्सियस कितना है यहाँ पे 25, उसमें 273 आप ऐड कर दीजिए, तो 273 और 25 को ऐड करके आएगा 298 केल्विन, खत्म बेटा खत्म। अच्छा, 373 डिग्री सेल्सियस, बेटे 373 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो
सेल्सियस प्लस 273 यानी कि 273 प्लस 373 ठीक है, तो कितना हो गया 3 3 6 7 7 14 का 4 8 3 9 2 5 और 1 6 6 46 कैलोरी ठीक है बेटा फिनिश ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमको ए और बी के लिए रीजंस देने हैं। ए है कि जो नेप्थेलीन बॉल है वो टाइम के साथ डिसअपीयर क्यों हो जाती है। तो देखिए बेटा जैसा कि हमें पता है कि नेप्थेलीन बॉल जो है वो सब्लिमेट होती है तो इस वजह से वो डिसअपीयर हो जाती है। तो आंसर लिखिए नेप्थेलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन ड्यू टू विच it directly get converted from solid to vapor without leaving any remain ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। किसी ने अगर परफ्यूम लगाया है तो उनसे कुछ दूरी पे ही अगर हम रहेंगे फिर भी हमें उनकी खुशबू आ सकती है, ऐसा कैसे? तो बेटा बहुत आसान है, ऐसा इसलिए कि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही तेजी से हवा में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं और हमें खुशबू सेवरल मीटर्स दूर होने पर भी आ जाती है। तो आंसर लिखिए वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे because particles of perfume get mixed with air easily and fastly and we get their smell। आइए बेटा ये देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कितना लटू क्वेश्चन है। इसमें हमको इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। बेटे इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अरेंज करना है मतलब सबसे पहले वो आएगा जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सबसे वीक, फिर उससे स्ट्रॉन्ग और फिर सबसे स्ट्रॉन्ग। तो बेटा देखिए वाटर शुगर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा वाटर और उसके बाद आएगा शुगर ठीक है बेटा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है हमारा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है कि वाटर का फिजिकल स्टेट 25, 0 और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। बेटा बहुत बारीकी से करना है हमको ये क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर होगा बेटा हमारा वाटर होगा लिक्विड स्टेट में। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर होगा बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होती है वाटर भी होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर होगा वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है ठीक। इसी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और स्टीम दोनों होते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है बेटा और गैसेस स्टेट में भी हो सकता है। खत्म बेटा खत्म। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। दो रीजंस देने हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर को रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों कहेंगे? लो भाई कर लो बात, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों कहेंगे? पहला रीजन क्योंकि इसका फिक्स शेप साइज और बाउंड्रीज नहीं होती है और दूसरा रीजन कि इसका फिक्स मास वॉल्यूम और डेंसिटी होती है। तो लिखिए बेटा water at room temperature is called liquid because at room temperature फर्स्ट और सेकेंड करके लिखिएगा क्योंकि दो पॉइंट लिख रहे हैं ना। एट रूम टेम्परेचर फर्स्ट में लिखिए इट हैज नो फिक्स शेप साइज एंड बाउंड्रीज और सेकेंड पॉइंट में लिखिए इट हैज फिक्स मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी ठीक। आगे बढ़े सिक्स का बी पार्ट बेटा। सिक्स के बी पार्ट में हमको बोला जा रहा है कि आयरन अल्मीरा को सॉलिड बोलेंगे रूम टेम्परेचर पे क्यों? लो भाई क्या मजाक है,
रूम टेम्परेचर पे आयरन एलुमिना को सॉलिड क्यूब बोलेंगे। आप ही बताइए बेटा, सॉलिड होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? फिक्स शेप, फिक्स साइज, फिक्स बाउंड्रीज, फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल है, तो लिखिए आयरन अलमीरा, आयरन अलमीरा विल बी कॉल्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज आयरन अलमीरा विल बी कॉल्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड करके लिखिएगा। फर्स्ट लिखिए एट रूम टेम्परेचर इट हैज फिक्स मास वॉल्यूम सॉरी फिक्स शेप साइज एंड बाउंड्रीज इट हैज फिक्स शेप साइज एंड बाउंड्रीज। सेकेंड पॉइंट लिखिए इट हैज फिक्स मास वॉल्यूम एंड इज हार्ड इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, हार्ड इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। चलिए आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। बेटा 7 है करोड़पति क्वेश्चन, मतलब इतिहास उठा के देख लो 7 और 8 में से एक क्वेश्चन आता ही आता है जरूर। फेवरेट है बेटा बोर्ड वालों का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट से भी आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अगर आपको ठंडक चाहिए तो ठंडक के लिए आप 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या यूज करेंगे? आइस यूज करेंगे या पानी यूज करेंगे? मतलब आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक आइस दी जा रही है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और एक वाटर दिया जा रहा है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, दोनों में से क्या यूज करेंगे आप? ठीक है बेटा, ठंडक पाने के लिए। तो देखिए बेटा आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने पढ़ा था कि उसकी जो एनर्जी होती है वो लो होती है, और जो वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके अंदर पार्टिकल की एनर्जी तो होती है प्लस लेटेंट हीट के फॉर्म में और एनर्जी एडेड होती है ना बेटा। और बेटा यानी कि वाटर के अंदर ज्यादा एनर्जी है, हमको ठंडक चाहिए, ठंडक कौन देगा जिसमें एनर्जी कम होगी? तो समझ में आया किसको यूज करेंगे कूलिंग के लिए? बताइए किसको यूज करेंगे? आइस को यूज करेंगे, है ना। तो लिखिए आइस इज मोर इफेक्टिव देन वॉटर, आइस इज मोर इफेक्टिव देन वॉटर एट 273 केल्विन, आइस इज मोर इफेक्टिव देन वॉटर एट 273 केल्विन ब्रैकेट में 0 डिग्री सेल्सियस फॉर कूलिंग बिकॉज वॉटर कंटेन एक्स्ट्रा एनर्जी देन आइस, बिकॉज वॉटर कंटेन एक्स्ट्रा एनर्जी देन आइस इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। एट क्वेश्चन बेटा, ज्यादा सीवियर बर्न किससे होगा, बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से? बेटा आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग वाटर हो या स्टीम हो दोनों का टेम्परेचर होता है 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक होगा जलाने के लिए, कौन ज्यादा जला सकता है? तो बेटा देखिए 100 डिग्री सेल्सियस जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी है स्टीम भी है, दोनों में फर्क क्या है कि बेटा स्टीम के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पे और एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। अब बेटा होगा क्या, अगर बॉइलिंग वाटर किसी के शरीर पे गिरता है तो बॉइलिंग वाटर की एनर्जी रहेगी बस, अगर स्टीम किसी के शरीर पे गिरता है तो बॉइलिंग वाटर की एनर्जी तो रहेगी ही प्लस लेटेंट हीट वाली एनर्जी भी जाएगी, तो इस वजह से स्टीम में ज्यादा हीट है और स्टीम ज्यादा बर्न करेगी। तो लिखिए स्टीम कैन कॉज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर, स्टीम कैन कॉज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर because steam contains extra energy than boiling water, because steam contains extra water than boiling extra energy than boiling water in the form of latent heat, in the form of latent heat। चलिए बेटा 9th क्वेश्चन, फुद्दू क्वेश्चन, ABCDEF भरने हैं। ये देखिए सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, फ्यूजन।
लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का वेपराइजेशन, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का कंडेंसेशन, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने का फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में जाने का सब्लिमेशन। है ना बेटा? तो चैप्टर होता है खत्म, क्वेश्चंस होते हैं खत्म, डाउट्स आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और आगे के चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, और हैप्पी रहें, खुश रहें, पढ़ाई करें और सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।